Sakshi Razdan from AlgoGee. If you can hear my voice, just type yes in the chat box so that we can proceed. चलिए हम बात करते हैं आज फ्री टूल्स फॉर सिस्टम ट्रेडिंग के बारे में. लास्ट वेबिनार में हमने बात की थी कि सिस्टम ट्रेडिंग क्या होती है और वो हमें किस तरीके से बेनिफिट कर सकती है. पर आज हम बात करेंगे कि हम फ्री टूल्स का यूज करके किस तरीके से सिस्टम ट्रेडिंग कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. उसके पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं हमारी लास्ट जो हमारा वेबिनार था उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं. सिस्टम ट्रेडिंग क्या होती है? सिस्टम ट्रेडिंग को इन सिंपलर टर्म्स आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग बोल सकते हैं. तो आप अपने जो रूल्स हैं वो आप सिस्टम को बताएंगे. सिस्टम उनके बेसिस पे आपके लिए सिग्नल जनरेट करेगा और उन सिग्नल्स के बेसिस पे आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा. दिस इज व्हाट सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग इज इन एन ओवरव्यू. देन वी टॉक्ड अबाउट फोर मेजर कॉम्पोनेंट्स. हमने चार मेजर कॉम्पोनेंट्स की बात की थी जो सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. पहला बाय एंड सेल लॉजिक, रिस्क मैनेजमेंट, ऑर्डर एंड स्लिपेज मैनेजमेंट एंड पोजिशन मैनेजमेंट. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं. यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लान बना रखा है. अब देखिए एक मिनट, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लान बना रखा है. ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने स्पेशली इस वेबिनार के लिए बनाया है. आप एग्जैक्टली ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप इसको लिटरली मत लीजिएगा. तो आप इसमें देख सकते हो मैंने ट्रेडिंग स्टाइल से लेकर अपना ट्रेड टाइमिंग, ट्रेडिंग गोल्स से लेकर हर चीज यहाँ पे मेंशन कर रखी है. ये सारे मेरे रूल्स हैं. ये सब क्या है? ये मेरे रूल्स हैं जो मैंने अपनी ट्रेडिंग के लिए, अपने ट्रेडिंग के लिए ये डिसिप्लिन अपने लिए बनाया है. और इधर यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा बाय और सेल लॉजिक भी मैंने मेंशन कर रखा है कि मैं, मेरी स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे वो रेनको कैंडलस्टिक के बेस पर है, जिस स्ट्रैटेजी पे मैं वर्क करना चाहती हूँ. तो उसका जो बाय लॉजिक है वो ये है, व्हेन रेनको बार क्लोजेस आफ्टर टचिंग हायर बाउंड एंड द ट्रेंड इज ग्रीन. मैं आपको ये चार्ट पे अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इसको प्लॉट करेंगे. और शॉर्ट कंडीशन भी मेंशन है, एग्जिट क्राइटेरिया भी मेंशन है. तो यहाँ पे मेरा पूरा बाय और सेल लॉजिक मेंशन है और काफी कुछ, रिस्क कैपेसिटी से लेकर एग्जीक्यूशन प्लान, हर चीज मैंने मेंशन कर रखी है, सब कुछ लिखा हुआ है मेरे पास. तो अगर आप सिस्टम से ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए ट्रेड प्लान होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आप अब ट्रेड प्लान हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है हम उसके बारे में बात करते हैं. ट्रेड प्लान सबसे पहले हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि वो हमें एक सिस्टमैटिक मेथड प्रोवाइड करता है. हमें पता है, हम यहाँ पे, हमारे पास पूरा सिस्टम है कि हमें किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, हमारी ट्रेडिंग कैपिटल क्या है और रिस्क क्या लेना चाहते हैं हम, ट्रेड क्वांटिटी क्या होगी. ट्रेड क्वांटिटी अगर हम चाहते हैं कि रिस्क के बेसिस पर हो तो वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखी है. ट्रेडिंग गोल्स क्या हैं हमारे, बाय एंड सेल हमें कब करना है, कैसे करना है. उसके बाद हमारी रिस्क कैपेसिटी. अब देखिए मैंने यहाँ पर रिस्क कैपेसिटी भी मेंशन कर रखी है और ये रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है. मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड मैं चाहती हूँ. मैं नहीं चाहती कि मैं 1-2000 से ज्यादा पर ट्रेड रिस्क पे रखूँ, तो मैं यहाँ पे वो भी मेंशन कर रही हूँ. मैं 10 ट्रेड से ज्यादा एक दिन में नहीं लेना चाहती, मैंने वो भी मेंशन कर रखा है. मैक्सिमम 5 ओपन पोजीशंस मैं एक टाइम पर मैनेज करना चाहती हूँ. तो एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर. मेरे को किस, मुझे किस ऑर्डर टाइप से मार्केट में एंट्री लेनी है, मुझे किस टाइप का, किस ऑर्डर टाइप का स्टॉप लॉस लगाना है, मुझे किस तरीके से मार्केट से एग्जिट लेना है, मेरा एग्जीक्यूशन प्लान क्या है, उसके बाद मैं इवैल्यूएट कैसे करूंगी. तो ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर्ड है ट्रेड प्लान में. और ये जो रूल्स मैंने अपने लिए बनाए हैं ये मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिए हैं, ये सारे वेल रिसर्च्ड रूल्स हैं. ये सब मैंने खुद रिसर्च किया है और आप भी इसी तरह अपने लिए रिसर्च करोगे, आप अपने लिए रूल्स बनाओगे, आप देखोगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. आपकी रिक्वायरमेंट आप जब एक फ्रेमवर्क में आप बनाओ लिखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी उससे. तो ये
हमारे हमें एक सिस्टमैटिक मेथड प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग प्लान, हमारे जो रूल्स हैं वो वेल रिसर्च्ड होते हैं, और हमारा जो रिस्क होता है वो कैलकुलेटेड होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे रिस्क हमारा डिफाइन कर रखा है, तो हमें पता है, मुझे पता है कि मैं 2000 से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती पर ट्रेड, तो मैंने वो लिख दिया, ये मैंने कैलकुलेट करके लिखा है। उसके बाद फ्रेमवर्क टू इवैल्यूएट ट्रेडिंग परफॉर्मेंस, तो ये हमारा एग्जीक्यूशन के बाद जो इवैल्यूएशन वाला मेजर पॉइंट होता है, आपको फॉलो अप भी लेना होता है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप बाद में अपनी परफॉर्मेंस भी इवैल्यूएट करोगे कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आप अपनी स्ट्रैटेजी पे स्ट्रिक्ट, आपने अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया या नहीं किया, आप इमोशंस के इन्फ्लुएंस में तो नहीं आए, आपकी स्लिपेज कितनी हुई, आपके जितने भी सिग्नल जनरेट हुए आपने क्या वो सारे ट्रेड्स लिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपने फॉलो किया या नहीं किया। ऐसा तो नहीं हुआ कि आपकी कैपेसिटी आपकी आपने 2000 से ज्यादा तक अपना लॉस चलने दिया, तो ये सारी चीजें आपको इवैल्यूएट करनी पड़ेंगी। और वही जो ट्रेड प्लान है वो हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ये हमने खुद लिखे हैं, रिसर्च करके लिखे हैं, लेकिन हमें पता है कि हमें एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द वीक हमें किस बेसिस पर हमें उस चीज को हमारे ट्रेड को इवैल्यूएट करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रेडिंग प्लान। अब इस ट्रेड प्लान को, अब ये जो हमारा ट्रेड प्लान है, इस ट्रेड प्लान को वर्केबल बनाने के लिए, इस ट्रेड प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं कौन कौन से फ्री टूल्स यूज कर सकती हूँ। फ्री टूल्स यूज करके मैं सिस्टम ट्रेडिंग, ऐसे कौन से टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनसे मैं जो फ्री में अवेलेबल हैं और मैं उनसे सिस्टम ट्रेडिंग कर सकती हूँ, अपना जो ट्रेड प्लान है उसको एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। तो सबसे पहला जो फ्री टूल और जो कि बहुत ही बेहतरीन टूल हमें प्रोवाइडेड है मार्केट में, वो है ट्रेडिंग व्यू। जो सबसे अच्छा फीचर ट्रेडिंग व्यू को है वो ये है कि ट्रेडिंग व्यू हमें लाइव चार्ट देता है। आज सैटरडे है, आज मार्केट बंद है, तो मार्केट ऑब्वियसली मूव नहीं कर रही है, लेकिन अगर आप वीक डेज में अगर आप देखेंगे तो आपके जो प्राइजेस हैं ट्रेडिंग व्यू पे वो सारे लाइव आते हैं, वर्ल्ड वाइड मार्केट डेटा कवरेज। अब आप देखिए यहाँ पे गोल्ड है, मैं इसी तरीके से यहाँ पे किसी और गोल्ड कॉमेक्स भी देख सकती हूँ, और मुझे फॉर एग्जांपल यूएस के स्टॉक्स देखने हैं तो मैं वो भी देख सकती हूँ। तो वर्ल्ड वाइड यहाँ पे मार्केट डेटा कवरेज है। उसके बाद हमारे पास 1 लाख प्लस टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पे देखिए, ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, और ऊपर यहाँ पे इंडिकेटर्स का एक टैब दे रखा है, आप इस पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे न्यूमरस इंडिकेटर्स मिलेंगे, न्यूमरस इंडिकेटर्स, और ये पब्लिक लाइब्रेरी में भी इतने सारे इंडिकेटर्स हैं। पब्लिक लाइब्रेरी में ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफॉर्म है वो कम्युनिटी बेस पे वर्क करता है, इसमें काफी ट्रेडर्स एनालिस्ट अपनी बनाई स्ट्रैटेजीज और इंडिकेटर्स अपलोड करते हैं। तो इन टोटल यहाँ पे 1 लाख प्लस इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं और स्ट्रैटेजीज जो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास 50 प्लस स्मार्ट ड्रॉइंग टूल्स है। यहाँ पे आप देखिए, फ्रॉम लाइंस टू सर्कल्स, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, एवरीथिंग। इनफैक्ट यहाँ पे आपकी जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, उसके भी हमें इधर प्रोवाइडेड है। जो फ्रेम होता है उसका वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है हमें। उसी तरीके से कस्टमाइजेबल चार्ट टाइप्स, आपकी स्ट्रैटेजी को अगर लाइन चार्ट सूट कर रहा है तो आप लाइन चार्ट यूज कर सकते हो, आप बार चार्ट यूज कर सकते हो। तो ये आपके पास चार्ट टाइप्स ही बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। फिर वर्सेटाइल स्क्रीनर, एंड दिस इज अनदर ग्रेट फीचर विच इज प्रोवाइडेड फॉर फ्री। आप अपने स्टॉक्स यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो, वैल्यूएशन के बेसिस पे करना है, मार्जिन के बेसिस पे करना है, इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पे करना है, आपको जिस भी बेसिस पे अपने स्टॉक्स फिल्टर करने हैं आप कर सकते हो। आप अपने फिल्टर को कस्टमाइज भी कर सकते हो, तो इससे आपका स्टॉक सिलेक्शन अगर आप करना चाहते हो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो।
तो और ये बहुत ही अच्छा स्क्रीनर है और ये फ्री में प्रोवाइडेड है आपको। फिर आता है हमारा पाइन स्क्रिप्ट अलर्ट्स। अब पाइन स्क्रिप्ट क्या होती है, हम पाइन स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे, उसके पहले हम बात कर ले रहे कैंडल स्टिक पैटर्न रिकॉग्निशन। तो अगर कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो वो चार्ट पे शो हो जाता है अपने आप। और लास्ट है हमारा फाइनेंशियल डेटा और ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा। तो ट्रेडिंग व्यू हमें फाइनेंशियल डेटा और इकोनॉमिक डेटा भी प्रोवाइड करता है, जो भी फॉर एग्जाम्पल यूएस का जॉब्स का डेटा आया है या फिर जीडीपी का डेटा आया है, कोई भी किसी भी कंट्री का कोई भी डेटा होगा, वो सारा ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा आपको ट्रेडिंग व्यू पर शो हो जाएगा। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट फ्री फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग व्यू। अब हम देखते हैं आगे क्या है। ओके, सो फ्री स्ट्रैटेजीज इन ट्रेडिंग व्यू। अब हम स्ट्रैटेजीज कौन सी फ्री में यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में। सो यू विल बी ग्लैड टू नो दैट ऑल द स्ट्रैटेजीज और मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजीज इन ट्रेडिंग व्यू आर अवेलेबल फॉर फ्री। यहाँ पब्लिक लाइब्रेरी में भी ये हो सकता है कुछ जो कम्युनिटी मेंबर्स की बनाई हुई स्ट्रैटेजी है वो लॉक्ड हो सकती है, वो प्रोटेक्टेड हो सकती है, लेकिन आपको उसके लिए परमिशन ग्रांट करनी पड़ेगी और आप वो भी यूज कर पाएंगे अगर वो अग्री करेंगे। अदरवाइज जितनी भी बिल्ट इन स्ट्रैटेजीज हैं वो सारी फ्री में अवेलेबल हैं, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा फ्री इंडिकेटर्स इन ट्रेडिंग व्यू। हम कौन से इंडिकेटर्स, हम सिमिलरली स्ट्रैटेजीज की तरह ही हम इंडिकेटर्स भी फ्री में यूज कर सकते हैं एंड ऑल और मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स आर अवेलेबल फॉर फ्री। पब्लिक लाइब्रेरी के कुछ इंडिकेटर्स लॉक्ड हो सकते हैं लेकिन आपको उनके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, जो भी उस इंडिकेटर का क्रिएटर होगा आपको डेवलपर होगा आपको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी एंड इफ दे ग्रांटेड यू कैन यूज इट एज वेल। बट बिल्ट इन इंडिकेटर्स जो है वो आप सब यूज कर सकते हैं। द ओनली लिमिटेशन हेयर इज आप फ्री वर्जन में, आप फ्री वर्जन में एक टाइम पर तीन स्ट्रैटेजी से ज्यादा नहीं लगा सकते और एक टाइम पे बस एक स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज द ओनली लिमिटेशन। अदरवाइज यू कैन यूज एनी स्ट्रैटेजी और एनी इंडिकेटर। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्री फीचर्स ऑफ एपीआई एवरेज। हमने अभी बात की हमारा जो पहला टूल है सिस्टम ट्रेडिंग के लिए जिसके फ्री में फ्री फीचर्स बहुत यूजफुल है वो था ट्रेडिंग व्यू। अब हम बात करेंगे सिस्टम ट्रेडिंग के लिए एपीआई ब्रिज फ्री में क्या हमें ऑफर कर रहा है, हमें कौन से फीचर्स फ्री में अवेलेबल हैं। अभी तक आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप जो भी नोटिफिकेशन होगी इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग की वो आपको फायर्स प्रोवाइड कर देगा। अदरवाइज फायर्स का ये यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पे देख पाएंगे, आप इधर से अपडेटेड रह सकते हैं, काफी और भी वीडियोस है, प्रीवियस वेबिनार की भी वीडियोस मिल सकती हैं आपको। चलिए अब बात करते हैं फ्री फीचर्स ऑफ एपीआई ब्रिज की। एपीआई ब्रिज की फ्री फीचर्स के बारे में बात करने से पहले हम एपीआई ब्रिज में लॉग इन कर लेते हैं। ये मैंने लॉग इन कर रखा है एपीआई ब्रिज में। ओके, सो दिस इज एपीआई ब्रिज। अब सबसे पहला जो हमारा काम क्या होगा, एपीआई ब्रिज और ट्रेडिंग व्यू दोनों को इंटीग्रेट करना, हमें फायर्स ब्रिज और फायर्स एपीआई ब्रिज और ट्रेडिंग व्यू को हमें इंटीग्रेट करना है, हमें उन्हें कनेक्ट करना है, जिससे हम ट्रेडिंग व्यू से अलर्ट क्रिएट करके सिग्नल ब्रिज को दे सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एपीआई ब्रिज खोलेंगे। एपीआई ब्रिज में हम यहाँ पे हेल्प पर क्लिक करेंगे। हमने हेल्प पर क्लिक करा तो एक विंडो अपीयर होगी हमारे सामने जिसमें हम जंप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। जंप स्टार्ट पर हमने क्लिक किया, अब हमें ट्रेडिंग व्यू से कनेक्शन सेटअप करना है तो हम फर्स्ट को इग्नोर कर देंगे और सेकंड जो हमें लिंक प्रोवाइडेड है उस पर क्लिक करेंगे, जंप स्टार्ट ट्रेडिंग विद ट्रेडिंग व्यू।
यहाँ पे जो स्टेप वन है वो हम कर चुके हैं। ये जो आर्टिकल है इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको दिया हुआ है कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग व्यू और फायर्स ब्रिज में फायर्स ब्रिज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अभी मैं ये सारे स्टेप्स खुद से आपको करके दिखा रही हूँ। स्टेप टू में आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। मैंने इधर क्लिक किया और आप देखिए यहाँ पे मुझे एक विंडो अपीयर हुई है। नाउ सिंस मैं क्रोम पर यूज कर रही हूँ ट्रेडिंग व्यू, तो मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी करके क्रोम पर ले जाती हूँ। मैंने क्रोम पर इस लिंक को खोल लिया है। उसके बाद मैं ये फर्स्ट जो लेटेस्ट अपडेट है मैं उस पर क्लिक करूंगी, जो लेटेस्ट एक्सटेंशन अवेलेबल है मैं उस पर क्लिक करूंगी। मैंने क्लिक किया, ये पॉपअप अपीयर हुआ। उसके बाद मुझे ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन दिया हुआ है, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मुझे लिखा आ रहा है दैट API ब्रिज एक्सटेंशन हैज बीन एडेड टू क्रोम। तो अब यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू पे वापस जाऊंगी। अभी एक्सटेंशन क्रिएट हो गई है लेकिन उसके लिए मुझे ट्रेडिंग व्यू को रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ मैंने ट्रेडिंग व्यू को रिफ्रेश किया और देखिए यहाँ पे ये चार बटन्स आए हैं मेरे पास। तो जैसे आपके पास ये चार बटन्स आ जाएं, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ आपका दोनों प्लेटफॉर्म्स फायर्स एपीआई ब्रिज और ट्रेडिंग व्यू दोनों अच्छे से सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर आकर ब्रिज में भी देख सकते हैं। इधर नीचे हैंडशेक रिक्वेस्ट सेंड फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू, हैंडशेक रिस्पॉन्स सेंड। यहाँ लॉग्स में भी ये सक्सेसफुल दिखा रहा है। तो हम अब ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अब इन चार बटन्स की बात कर लेते हैं। पहले जो हमारा सबसे पहला फ्री फीचर API ब्रिज में दिया हुआ है, अब ये चार बटन्स किस तरीके से अलग हैं और इनका मतलब क्या है। अनलाइक एनी कन्वेंशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि आपके फायर्स में भी आपको बाय और सेल दिखता है, यहाँ पे ये चार बटन्स दिए हुए हैं जिससे आपके सिग्नल्स में जो है आप क्लैरिटी दे सकते हो। LE मतलब लॉन्ग एग्जिट, लॉन्ग एंट्री, LX मतलब लॉन्ग एग्जिट, SE मतलब शॉर्ट एंट्री, SX मतलब शॉर्ट एग्जिट। तो ये चार बटन्स जो हैं, जब आप इन पर क्लिक करोगे, आप LE पर क्लिक करोगे तो आपका ट्रेड जाएगा, आपका जो सिग्नल है वो फायर्स ब्रिज तक जाएगा और आपकी जो भी आपने जो भी यहाँ पे इनपुट कर रखा होगा उस बेसिस पर आपका जो ट्रेड है वो ब्रिज एग्जीक्यूट कर देगा। तो और ये लॉन्ग एंट्री के लिए, जब भी आपको बाय करना है और आपको अगर बाय से एग्जिट करना है तो आप लॉन्ग एग्जिट बटन यूज कर सकते हैं, फिर शॉर्ट एंट्री और शॉर्ट एग्जिट इसी तरीके से। तो ये चार बटन्स जो कन्वेंशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये उनसे अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सिग्नल्स में क्लैरिटी मिलती है इन बटन्स को यूज करने से। और आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको बहुत अच्छे से सोच कर प्लान भी कर सकते हैं। फिर हमारा आता है रिस्क मैनेजमेंट फीचर्स। हम ऐसा करते हैं, हम अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद उस स्ट्रैटेजी के लिए किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट मुझे सेटअप करना है उसी के थ्रू हम एग्जांपल में देखेंगे। तो ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो मेरी स्ट्रैटेजी है रेंको कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजी। तो अब इस स्ट्रैटेजी को ढूंढने के लिए मुझे क्या करना है, ये इसके लिए मुझे पाइन स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। ये जो स्ट्रैटेजी है ये पाइन स्क्रिप्ट पर बेस्ड है। तो मैं क्या करूंगी, API ब्रिज में हेल्प पर जाऊंगी, उसके बाद ये विंडो अपीयर होगी। मुझे ट्रेडिंग व्यू से कनेक्शन चाहिए था तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करूंगी। आपको यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, आपके जितने भी फायर्स API ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और ट्रेडिंग व्यू से उसकी इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है
ऑलमोस्ट जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, आपको सबके आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे. आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर मिल जाएगा सेटअप, कोई भी स्ट्रैटेजी सेटअप करने के लिए. फॉर एग्जांपल सेटिंग अप फर्स्ट स्ट्रैटेजी इन ट्रेडिंग व्यू, ऑटोमेटिंग सुपर ट्रेंड बाय एंड हाउ टू सेट पावरफुल एल्गो अलर्ट्स. तो यहाँ पे काफी सारे आर्टिकल्स दे रखे हैं, आप इनके थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं. तो अभी मेरी जो स्ट्रैटेजी है मैं उसको ढूंढ रही हूँ. यहाँ पे मैं रेनको स्ट्रैटेजी यूज कर रही हूँ. तो ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल में जो स्ट्रैटेजी मैं यूज कर रही हूँ उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है, स्ट्रैटेजी किस तरीके से वर्क करती है और उसको अप्लाई किस तरीके से करना है. सिमिलरली अदर आर्टिकल्स में भी ये सब मेंशन है. तो मैं क्या करूंगी, जैसे अगर मुझे पाइन स्क्रिप्ट लिखनी नहीं आती तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी जो अवेलेबल पाइन स्क्रिप्ट है वो यूज कर रही हूँ इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए. तो वो पाइन स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी हुई है, मैंने यहाँ स्टेप वन में क्लिक हेयर पे क्लिक किया तो मेरी ये विंडो खुल गई. अब यहाँ पे पाइन स्क्रिप्ट का कोड दे रखा है, मैंने इसको कॉपी कर लिया. इसको कॉपी करके बैक चली गई. अब इधर लिखा हुआ है कि इसको मुझे कहाँ ऐड करना है, मैं आपको दिखाती हूँ. इसके बाद हमें चार्ट पे वापस जाना है, उस कोड को कॉपी करके, उस पाइन स्क्रिप्ट को कॉपी करके मुझे चार्ट पर वापस जाना है. और यहाँ आपके चार्ट में नीचे ये इतने सारे टैब्स दे रखे हैं, स्टॉक स्क्रीनर, टेक्स्ट नोट्स, पाइन एडिटर. तो इनमें से आपको पाइन एडिटर पे क्लिक करना है. आप पाइन एडिटर पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे इस चार्ट का जो डिफॉल्ट कोड है वो यहाँ पर लिखा हुआ है. ये डिफॉल्ट कोड है इस चार्ट का. अब मैं इस डिफॉल्ट कोड को रिमूव करके मैंने जो कोड कॉपी किया था रेनको स्ट्रैटेजी के लिए मैं वो यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ. तो मैंने यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर दिया. इसके बाद मेरे को इसे सेव करना है, मैंने सेव पर क्लिक करा और इसको सेव कर दिया. फिर मैं ऐड टू चार्ट पर जाऊंगी. मैंने इसको सेव कर दिया. अब मुझे ये, मैं चाहती हूँ ये स्ट्रैटेजी जो है मेरी ये चार्ट पे मुझे दिखे, तो मैंने ऐड टू चार्ट पे क्लिक कर दिया. अब मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो चार्ट पे ऐड हो चुकी है, लेकिन आइए स्ट्रैटेजी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. ये जो रेनको स्ट्रैटेजी है ये बेसिकली ब्रिक साइज पर, रेनको ब्रिक साइज पर बेस्ड है. रेनको कैंडल स्टिक्स होती हैं, तो ये अपर बाउंड है और ये लोअर बाउंड है. ये पूरा जो डिफरेंस आपको दिख रहा है लोअर बाउंड और अपर बाउंड का, ये ब्रिक साइज है. और ये रेनको स्ट्रैटेजी हमने लगाई है नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट पर. तो हम रेनको कैंडलस्टिक चार्ट फ्री वर्जन में यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम इस स्ट्रैटेजी को यूज करके हम नॉर्मल कैंडलस्टिक्स पर अपनी रेनको स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं. हम रेनको से ट्रेड कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को यूज करके बेसिकली. तो अभी इसका जो बाउंड है ये बहुत बड़ा है, ये जो ब्रिक साइज है ये बहुत बड़ी है. तो इसको मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहती हूँ, जिससे मेरे ना जल्दी जल्दी ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो जाए. अभी ये सिर्फ डेमो के लिए कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं. तो यहाँ मैं, अब देखिए यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी के बारे में दे रखा है, तो मैं इधर सेटिंग्स में जाऊंगी और इधर मैं अपने इनपुट्स डालूंगी. तो ये सबसे पहला जो हमारा इनपुट है, हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना ब्रिक साइज. ब्रिक साइज क्या है, ये जो ये डिफरेंस है ये ब्रिक साइज है. तो मैं चाहती हूँ ये ब्रिक साइज कम हो जाए, तो इसको कम करने के लिए मैं एक छोटी फिगर डाल रही हूँ. मैंने डाल दिया इधर 0.45 की जगह 0.005. और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना इंट्राडे ट्रेड सेशन, आप जिस टाइम पीरियड में आप चाहते हो कि आपके बाय या सेल सिग्नल जनरेट हो, आप वो टाइम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ 9:15 से 2:50 के बीच में मेरी बायर या सेल एंट्री क्रिएट हो, तो मैंने यहाँ पे ये टाइम स्पेसिफाई कर रखा है. उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ और मेरा जो एंड सेशन है, मैं चाहती हूँ कि इस टाइम से इस टाइम के बीच मेरे कोई नए ट्रेड्स जनरेट ना हो, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेड्स हैं
वो स्क्वायर ऑफ हो जाए, अब जो भी सिग्नल आए वो स्क्वायर ऑफ के लिए आए, तो वो टाइम मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगी। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वाली जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से बड़ी होगी। तो ये मैंने अपना पूरा इनपुट कर दिया, हम यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यूज दे रखी है वही यूज कर रहे हैं क्योंकि टाइमिंग में अभी फिट हो रहा है। उसके बाद आप अपनी ट्रेड क्वांटिटी स्पेसिफाई करोगे, मैंने वन कर दी और ओके पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे ये मेरा ब्रिक साइज देखिए छोटा हो गया। अब यहाँ क्या होगा, अब इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे ही ये जो अपर बाउंड है, अपर बाउंड जैसे ही ये कैंडल अपर बाउंड को क्रॉस करेगी और उसके ऊपर क्लोज लेगी तो मेरा बाय सिग्नल जनरेट होगा, और जैसे ही लोअर बाउंड को नीचे की तरफ तोड़ेगी और उसके नीचे एक कैंडल क्लोजिंग देगी तो मेरा सेल सिग्नल जनरेट होगा। तो ये स्ट्रैटेजी इस तरीके से वर्क करती है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर मेरी बाय एंट्री क्रिएट हो गई, मेरी बाय सिग्नल जनरेट हो गई और ट्रेड प्लेस हो गया, तो उसके बाद जब मार्केट पलट के नीचे आएगी और लोअर बाउंड को टच करेगी और उसके नीचे क्लोजिंग देगी तो मेरा लॉन्ग एग्जिट तो हो गई, जो मेरा ऑलरेडी बाय ट्रेड चल रहा था मैं उससे एग्जिट तो कर जाऊंगी ऑटोमेटिकली, लेकिन उसके साथ साथ मेरी एक शॉर्ट एंट्री भी क्रिएट हो जाएगी। और इन ऑपोजिट केस ऐसा ही होगा, अगर पहले शॉर्ट एंट्री जनरेट हो रही है और उसके बाद मार्केट पलट के अपर बाउंड टच कर दी है, तो जब अपर बाउंड टच करेगी तो मेरा शॉर्ट एग्जिट तो होगा लेकिन साथ में एक लॉन्ग एंट्री भी क्रिएट हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट दिस स्ट्रैटेजी डज। अब इस स्ट्रैटेजी सिंस अभी मार्केट चल नहीं रही है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी कि ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से वर्क किस तरीके से लाइव ट्रेड में वर्क करती है, लेकिन हम इन बटन्स को यूज करके भी ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो एक स्ट्रैटेजी की बात हुई, लेकिन अगर आप डायरेक्टली मैनुअल ट्रेड करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, एलई पर क्लिक करोगे तो आपका लॉन्ग उसके सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आपका जो ब्रिज है, जो फायर्स ब्रिज है, आप चाहते हो वो सिग्नल्स रिसीव करे तो आपको स्टार्ट ट्रेडिंग पर भी क्लिक करना पड़ेगा। तो स्टार्ट ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे उसके बाद ही ब्रिज है वो सिग्नल्स रिसीव करेगा। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं मैनुअल ट्रेड करूँ तो मैं इन बटन्स के थ्रू भी डायरेक्टली ट्रेड कर सकती हूँ। मैं एलई पर क्लिक करूंगी तो आप देखिए यहाँ पे आ रहा है पेपर ट्रेडिंग फील्ड ऑर्डर प्लेस्ड, यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आई है और ब्रिज ने क्या किया, ये पेपर ट्रेडिंग मोड है तो ब्रिज ने सिग्नल रिसीव करा और जल्द से जल्द जितना भी टाइम लगा उसने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया एंड इट हैपेंड क्विकली, हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। और अब मैं चाहती हूँ मैं लॉन्ग एग्जिट कर दूं, मेरी जो बाय पोजीशन है वो यहाँ पे दिखेगी मुझे नेट पोजीशन में जाके, तो मैं चाहती हूँ मेरी जो बाय, मैंने जो बाय कर रखा है मैं इसको एग्जिट कर दूं, तो मैं लॉन्ग एग्जिट पे क्लिक करूंगी और आप यहाँ पे देखिए दोबारा से मेरा सिग्नल ब्रिज ने रिसीव किया और मेरा लॉन्ग एग्जिट ऑर्डर प्लेस कर दिया। और अब देखिए नेट पोजीशन में मुझे गोल्ड नहीं दिख रहा, अब वो किस में आ गया, वो आ गया ट्रेड हिस्ट्री में चला गया वो। तो यहाँ ट्रेड हिस्ट्री में हमारे जो भी ट्रेड क्लोज हो जाते हैं वो दिखते हैं और नेट पोजीशन में हमारे वो ट्रेड्स दिखते हैं जो अभी रनिंग है। तो इस तरीके से हम इन बटन से ट्रेड कर सकते हैं, ये मैनुअल एंट्री और एग्जिट के लिए काम आएंगे। ऑटोमेशन के लिए आपको क्या करना है, जैसे इस स्ट्रैटेजी को मैं चाहती हूँ मुझे मैनुअली ट्रेड नहीं करना, मैं नहीं चाहती मैं बटन यूज करूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको ऑटोमेट करूंगी। अब ऑटोमेट करने के लिए क्या करना है, मुझे अलर्ट क्रिएट करना होगा। और अलर्ट कैसे क्रिएट करेंगे हम, आइए मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे जाके इन तीन डॉट्स पर, ये जो तीन डॉट्स यहाँ पे आए हैं इन पर हमें क्लिक करना है, हम ऐड अलर्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड अलर्ट पे यहाँ पे रेन को कैंडलस्टिक चूज करना है आपको, उसके बाद ये एक डिफॉल्ट मैसेज लिखा हुआ है तो आपको इसको रिमूव कर देना है। अब इस मैसेज में हम क्या लिखें,
जिससे ऑटोमेशन सेटअप हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने जिस आर्टिकल से अपना सोर्स कोड जो पाइनस्क्रिप्ट हमने कॉपी करी थी, हम उसी आर्टिकल पे वापस जाएंगे जो हमारा हेल्प मैनुअल में दे रखा था। उसके बाद ये सारे स्टेप्स हम कर चुके हैं, अब हमें ऑटोमेशन सेट करना है। तो यहाँ पे देखिए सेट स्टेप 4 में लिखा हुआ है सेटिंग्स अलर्ट फॉर ऑटो ट्रेडिंग। तो उसके लिए यहाँ पे ये एक मैसेज दे रखा है और बोला है कि इसको मैसेज विंडो में पेस्ट कर दीजिए यहाँ से कॉपी करके। तो यहाँ से ये मैंने कॉपी किया और मैं मैसेज विंडो में जाके इसको पेस्ट कर दूंगी। तो जैसे मैं पेस्ट करके यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगी तो मेरा अलर्ट क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये क्लॉक बटन होगा, क्लॉक आइकन होगा यहाँ पे, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका कौन सा अलर्ट एक्टिव है। अब यहाँ पे मैंने अलर्ट लगा दिया, तो अगर अभी यहाँ पे लाइव मार्केट होती हमारे पास, सैटरडे है तो नहीं है, लेकिन अगर लाइव मार्केट होती हमारे पास तो हमारे ट्रेड्स ऑटोमेटिकली जनरेट होते रहते और हमारे जो सिग्नल है यहाँ से अलर्ट क्रिएट होता, ट्रेडिंग व्यू ब्रिज को सिग्नल सेंड करता, ब्रिज सिग्नल रिसीव करके आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस कर देता, आपको यहाँ पे मैनुअल ट्रेडिंग की जरूरत नहीं थी। सो दिस इज हाउ यू कैन ऑटोमेट योर स्ट्रेटेजी। और अगर आपकी कोई और भी स्ट्रेटेजी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ ब्रिज में आपके फायर्स ब्रिज में हेल्प मैनुअल पे क्लिक करना है। हेल्प मैनुअल पे क्लिक करोगे तो ये विंडो अपीयर होगी, उसके बाद आपको ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड क्वेरी है तो आप ट्रेडिंग व्यू कनेक्शन पर क्लिक करोगे और यहाँ पे इतने सारे आर्टिकल्स दे रखे हैं, हाउ टू सेट पावरफुल एल्गो अलर्ट्स इन ट्रेडिंग व्यू, ऑटोमेटिंग अलर्ट्स विद पाइनस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो अभी तक मैंने जो भी बताया उसमें किसी की क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। Yes, it will work with a free account of TradingView. मैं ये जो वेबिनार है वो फ्री टूल्स के बारे में ही है, तो मैंने आपको फ्री फीचर्स ऑफ TradingView के बारे में बताया, फ्री फीचर्स ऑफ API ब्रिज के बारे में बताया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट फीचर्स और ऑर्डर मैनेजमेंट फीचर्स। अब ये API ब्रिज के फीचर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ ये हमारा सिंबल सेटिंग्स की विंडो है, हमें यहाँ पर अपने ऑर्डर को मैनेज करना है। तो ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, यहाँ पे हमारे पास इनपुट पैरामीटर्स हैं जिसमें हम एंट्री ऑर्डर टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लिमिट ऑर्डर से एंट्री लेनी है अपने ट्रेड में तो आप लिमिट सेलेक्ट कर सकते हो, मार्केट सेलेक्ट कर सकते हो, SLL, SLM कुछ भी, और ये सारा, और एग्जिट ऑर्डर टाइप आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्वांटिटी, आप अपनी क्वांटिटी तीन तरीके से यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फिक्स क्वांटिटी है तो आप सीधा उस क्वांटिटी को टाइप कर दीजिए, क्वांटिटी फ्रॉम एक्सपोजर दूसरा ऑप्शन है। तो जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट ट्रेडिंग व्यू पर मीट होगी और API ब्रिज को सिग्नल रिसीव होगा, API ब्रिज अपने आप आपके एक्सपोजर के बेसिस पर क्वांटिटी कैलकुलेट कर देगा, जिसमें आपके लिए क्वांटिटी कैलकुलेट कर देगा और आपका ऑर्डर प्लेस कर देगा। और उसी तरीके से हमारे पास क्वांटिटी फ्रॉम SL है, तो API ब्रिज आपके लिए अपने आप आपके स्टॉप लॉस के बेसिस पे आपके लिए क्वांटिटी कैलकुलेट कर देगा, लेकिन यहाँ पे मैं अभी अपनी फिक्स क्वांटिटी 1 ही रख रही हूँ। तो आपको बस यहाँ क्वांटिटी वाले पैरामीटर में इधर डबल क्लिक करोगे तो आपके पास ये तीनों ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट टाइप चूज कर सकते हो कि आपको कौन से प्रोडक्ट में ट्रेड करना है। मैंने यहाँ पे MIS मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ सेलेक्ट कर रखा है। एंड दिस इज these were our order management features. Now we'll talk about our risk management features.
यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के लिए फीचर्स दे रखे हैं, मैक्सिमम ऑर्डर पर मिनट, ट्रेड्स पर डे, सिंबल पोजीशन। उसके बाद हमारी और सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई हैं, एप्लीकेशन सेटिंग्स, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो हमने बात कर ली इन चार बटन्स के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट फीचर्स के बारे में, ऑर्डर मैनेजमेंट फीचर्स के बारे में। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, इम्पोर्टेंट फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, वो है योर पर्सनल सेक्रेटरी फॉर लाइफ ट्रेडिंग। हमने ये तो बात कर ली कि पेपर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, लेकिन अब हम वो पेपर ट्रेडिंग, हम फ्री फीचर्स, फ्री टूल्स यूज करके हम किस तरीके से लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग तो हमने देख ली, लेकिन अब इसी तरीके से हम लाइव ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो आइए उसके बारे में देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं बता देती हूँ। आप क्या करोगे, आप पहले अपने फायर्स ब्रिज, फायर्स एपीआई ब्रिज और अपने आपका जो ट्रेडिंग व्यू है प्लेटफॉर्म, आप फायर्स एपीआई ब्रिज और ट्रेडिंग व्यू को इंटीग्रेट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी स्ट्रैटेजी लगाएंगे, ऑटोमेशन सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ आप स्टार्ट ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे और अपनी सारी सेटिंग्स कर देंगे, ऑर्डर मैनेजमेंट सेटिंग्स, रिस्क मैनेजमेंट सेटिंग्स, आप अपनी सारी सेटिंग्स कर देंगे और पूरा सेटअप क्रिएट कर देंगे। फिर हम जाते हैं एप्लीकेशन सेटिंग्स पे, और उसके बाद एप्लीकेशन सेटिंग्स पे हमारा एक ये नोटिफिकेशन फीचर दे रखा है, तो हम नोटिफिकेशन क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे प्ले नोटिफिकेशन साउंड व्हेन ऑर्डर इज सेंड, आप इस पे क्लिक करोगे। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, जैसे ही आपके फायर्स ब्रिज में, आपके फायर्स एपीआई ब्रिज में जैसे ही ऑर्डर प्लेस होगा, आपको एक नोटिफिकेशन साउंड आएगी, आपको एक नोटिफिकेशन आएगी कि आपका ये ऑर्डर प्लेस हुआ है, ये पैरामीटर्स हैं। तो आप क्या करोगे, आप वो सेम पैरामीटर्स, वो सेम इनपुट पैरामीटर्स से आप फायर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाओगे और आप सेम ट्रेड ले लोगे, जो आपका पेपर ट्रेडिंग में ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, वही सेम ट्रेड आप अपने फायर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ले लोगे। और जैसे ही, और जब तक वो रन कर रहा है आप उसको रन करने दोगे, और जब आपकी एग्जिट एंट्री सिग्नल जनरेट होगा और आपको फिर से एग्जिट नोटिफिकेशन आएगी कि आपको अब एग्जिट करना है, और पेपर ट्रेडिंग में एग्जिट हो जाता है, आपका एग्जिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, तो आप उसी टाइम पे अपने फायर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर दोगे। आपको अपने रूल्स पर स्टिक करना है, आपको अपने रूल्स को फॉलो करना है, तो जो जो सिग्नल जनरेट हो रहे हैं आपको उन सिग्नल्स पर वर्क करना है। ऐसा नहीं कि आपने एंट्री तो क्रिएट कर ली सिग्नल्स और नोटिफिकेशन के बेसिस पर, लेकिन आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी एग्जिट कर रहे हो। अगर आप वो कर रहे हो तो आप सिस्टम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। आपको सिस्टम से ट्रेड करना है तो आपको अपने रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप फ्री फीचर्स और फ्री टूल्स यूज करके लाइव ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक और फीचर है ईमेल नोटिफिकेशन का। तो जब आप ये वाला फीचर यूज करने के लिए जो अप्रोप्रिएट कंडीशन है वो ये है, जो अप्रोप्रिएट सिचुएशन मैं बोलूंगी वो ये होगी, जब आप अपने सिस्टम के सामने नहीं बैठ सकते हो। अगर आप अपने सिस्टम के सामने नहीं बैठ सकते हो, आपको कहीं जाना पड़ रहा है बट आप फिर भी ट्रेड करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप अपना पूरा सेटअप बनाओगे, पूरे सेटअप क्रिएट कर दोगे, अपना सिस्टम ओपन रखोगे। तो जैसे ही आपका, आपके सिस्टम में आप सिग्नल जनरेट होगा और फायर्स ब्रिज को सिग्नल रिसीव होके फायर्स ब्रिज आपके लिए ऑर्डर प्लेस करेगा पेपर ट्रेडिंग मोड में, तो वो सेम जो इंफॉर्मेशन है वो आपको सारी ईमेल पर आ जाएगी उसी टाइम पर। और आप अगर आप सिस्टम से दूर हो तो आप ईमेल देख सकते हो, और जो जो पैरामीटर्स हैं उसको अपने मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आप वहां से ट्रेड ले सकते हो रिमोटली। और जैसे ही एग्जिट नोटिफिकेशन आएगी तो आप एग्जिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप
दूर होके भी, आप अपने सिस्टम से दूर होके भी ट्रेड कर सकते हैं. एंड दिस इज हाउ एपीआई ब्रिज, फ्री फीचर्स ऑफ एपीआई ब्रिज कैन सर्व एज अ पर्सनल सेक्रेटरी फॉर लाइव ट्रेडिंग टू यू. और यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारी और एप्लीकेशन सेटिंग्स. अब ये है हमारे सिग्नल सोर्स. सबसे पहले आता है सिग्नल सोर्स. तो हम सिग्नल कहाँ से लेना चाहते हैं, हम लोकल कंप्यूटर से लेना चाहते हैं या हम वेब हुक से लेना चाहते हैं. अब वेब हुक से आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने ट्रेडिंग व्यू और फायर्स ब्रिज की एक्सटेंशन क्रिएट की थी, तो हम वो, हमें वो क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम वेब हुक यूज कर रहे हैं. पर वेब हुक जो है वो फ्री ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल नहीं है फीचर, तो हम ये यूज नहीं कर पाएंगे. और अगर आपको वेब हुक के बारे में और पढ़ना है तो आप हेल्प पैनल में जाकर यहाँ पे वेब हुक टाइप कर दोगे तो आपको उसके बारे में एक आर्टिकल मिल जाएगा. और इस आर्टिकल में वेब हुक को किस तरीके से यूज करना है, अगर आप फ्री में आप फ्री ट्रेडिंग व्यू के अलावा आपके पास पेड वर्जन है तो आप वेब हुक भी यूज कर पाएंगे, उसके लिए एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन अभी हमारे पास पेड वर्जन नहीं है, हम फ्री फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोकल कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे और हम ट्रेडिंग व्यू से सिग्नल रिसीव करना चाहते हैं, उसको क्लिक करके यहाँ पे सेव कर देंगे. फिर हमारे आते हैं सिग्नल रूल्स. अब सिग्नल रूल्स किस लिए इम्पोर्टेंट है, जो सिग्नल रूल्स होते हैं, सिग्नल रूल्स आपकी जो स्ट्रैटेजी मिसफायर होती है. कभी कभी क्या होता है, आप गलती से सेम वैल्यूज के साथ दो या तीन ऑर्डर्स प्लेस कर देते हो और आपको पता नहीं चलता, कभी आपसे डबल क्लिक हो गया और दो ऑर्डर्स चले गए. तो आप जो ये जो फीचर है ये आपको उस सिचुएशन से बचाते हैं. अगर आप यहाँ पे टिक करके रखोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्किप कंजेक्टिव सिग्नल्स विथ सेम वैल्यूज टू अवॉइड रेपिटेटिव ऑर्डर प्लेसमेंट, आप इस पे टिक करके रखोगे तो अगर सेम वैल्यूज के साथ आपके एक से ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं तो ब्रिज उस पर वर्क नहीं करेगा, आपके ऑर्डर्स प्लेस नहीं करेगा. जो पहला सिग्नल आया होगा उसी के बेसिस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, आपका रेपिटेटिव या सेम वैल्यूज के साथ जो सिग्नल आएंगे वो उस पर आपके ऑर्डर्स प्लेस नहीं होंगे, तो आप उस चीज से बच सकते हो. उसी तरह से यहाँ पे हमारे और भी फीचर्स हैं जिनके बारे में आप डिटेल में कैसे पढ़ सकते हो. आपको एपीआई ब्रिज में हेल्प मैनुअल पे क्लिक करोगे, हेल्प मैनुअल में जाके आप इधर सर्च में सेटिंग्स पे सेटिंग्स टाइप कर दीजिएगा. आपने सेटिंग्स टाइप की तो यहाँ पे आपके पास काफी आर्टिकल्स आ जाएंगे. अब हम बात करें सिग्नल रूल्स की, तो मैं ये सिग्नल रूल्स वाले आर्टिकल पे चली जाती हूँ. तो यहाँ पे सिग्नल रूल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, हर एक सिग्नल रूल की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या जरूरत है, या फिर वो किस तरीके से वर्क करता है, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है. और यहाँ पे उसके बारे में एक वीडियो भी अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं. ये हेल्प पैनल में आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सबके आंसर्स आपको मिलेंगे. उसके बाद हमारी आती है सिंबल सेटिंग्स. सिंबल सेटिंग्स में क्या है, मैं चाहती हूँ मेरे मेन पेज पर जो भी सिंबल्स अवेलेबल हो, जो भी सिंबल्स दिखे, मैं ये वो उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ. फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ मुझे करेंसी का सिंबल देखना है अपने मेन स्क्रीन पर, तो मैंने करेंसी पर क्लिक किया और यहाँ पे उसको सेव कर दिया. यहाँ पे मैं सेव कर दूंगी तो यहाँ पे मुझे करेंसी भी दिखने लग जाएगा. और उसके बाद नोटिफिकेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो यहाँ मैंने सेव कर दिया और अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ. तो देखिए मेरे पास करेंसी का भी सिंबल आ गया. तो आप अपने सिंबल्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं. एंड दिस वाज ऑल अबाउट फ्री फीचर्स ऑफ एपीआई ब्रिज. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं. और जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो है पाइनस्क्रिप्ट कोडिंग इन ट्रेडिंग. अब पाइनस्क्रिप्ट क्या होती है, पाइनस्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है ट्रेडिंग व्यू की, जिससे आप अपनी इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज को कस्टमाइज कर सकते हो. और हमने इसका एग्जांपल अभी ही देखा, अगर हम पाइनस्क्रिप्ट नहीं लिख सकते हैं, पाइनस्क्रिप्ट नहीं लिखना जानते हैं, तो जो ऑलरेडी अवेलेबल पाइनस्क्रिप्ट हैं वो सारी हेल्प मैनुअल में दी हुई है,
आप वहां से कोई भी पाइन स्क्रिप्ट यूज करके आप उन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने पूरा सेटअप देखा, पाइन स्क्रिप्ट हमने इधर से, एक मिनट, मैंने इस आर्टिकल को रेफर किया था, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, उसकी पाइन स्क्रिप्ट इधर अवेलेबल है, मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पाइन एडिटर में पेस्ट किया और स्ट्रैटेजी को सेव करके ऐड टू चार्ट कर दिया। तो इसी तरीके से और भी जो भी आपकी जनरल स्ट्रैटेजीज हैं, आप उनको भी इसी तरीके से, पाइन स्क्रिप्ट को इसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक बार पूरा सेटअप का रीकैप ले लेते हैं, जिससे आपको याद रहेगा और समझने में आसानी होगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन अप एंड डाउनलोड एपीआई ब्रिज, और वो आपको कहाँ से करना है, उसके लिए आपको फायर्स एपीआई ब्रिज की ये जो साइट है, यहाँ पे आपको आकर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करना है। आप सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी फैसिलिटी है, वो जो क्रेडेंशियल्स हैं आपके, वो सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद आप एपीआई ब्रिज को डाउनलोड करने के लिए भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जब आप ये कर लेंगे तो आपको ट्रेडिंग व्यू पे साइन अप करना है। आप एंड आई बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स हियर माइट बी यूजिंग ट्रेडिंग व्यू ऑलरेडी, या आपने ऑलरेडी साइन अप कर रखा होगा। नहीं किया है तो आप कर सकते हैं इजीली ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाके। अब आपने ट्रेडिंग व्यू साइन अप कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, कनेक्ट ट्रेडिंग व्यू विद एपीआई ब्रिज। तो आप, और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ब्रिज में साइन इन करेंगे, हम लॉग इन करेंगे, हेल्प मैनुअल पे जाएंगे, हेल्प मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो हमारा जंप स्टार्ट, ये विंडो है हमारी, हमारी ये विंडो अपीयर होगी। हम जंप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जंप स्टार्ट सिस्टम ट्रेडिंग विद ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करेंगे और इस आर्टिकल में जो भी स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे ट्रेडिंग व्यू और फायर्स ब्रिज में। देन हम क्या करेंगे, हमें पाइन स्क्रिप्ट अगर यूज करनी है तो हम पाइन स्क्रिप्ट डाउनलोड करेंगे, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया आप कहाँ से कर सकते हैं अगर आप पाइन स्क्रिप्ट लिखना नहीं जानते हैं तो। फिर हम क्या करेंगे, हम अप्लाई टीवी सेटिंग्स। अब यहाँ पे जैसे हमने जिस तरीके से सेटिंग्स अप्लाई करी थी, हम वो करेंगे, हम अलर्ट क्रिएट करेंगे जिससे हमारी ऑटोमेशन सेट हो जाए। तो हमने ये पॉइंट भी कवर कर लिया है, अप्लाइंग टीवी सेटिंग्स, ये हम कर चुके हैं, चार्ट और अलर्ट हम दोनों कर चुके हैं। फिर हम एपीआई ब्रिज में सेटिंग्स करेंगे। एपीआई ब्रिज की सेटिंग्स में ये हमारा ऑर्डर मैनेजमेंट सेटिंग्स, रिस्क मैनेजमेंट सेटिंग्स और हमारी एप्लीकेशन सेटिंग्स में जो भी हमें सेट करना है वो हम सारी सेटिंग्स कर देंगे। नोटिफिकेशन सेट कर देंगे, अगर लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो साउंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, अगर दूर, अगर आप अवेलेबल नहीं है सिस्टम के सामने तो आप ईमेल नोटिफिकेशन ट्राई कर सकते हैं। एपीआई ब्रिज की सेटिंग्स के बाद आपको क्या करना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट पॉइंट, मैनुअल एग्जीक्यूशन। तो जैसे ही आपका सिग्नल यहाँ से जनरेट होगा और एपीआई ब्रिज आपका सिग्नल रिसीव करेगा, आपका ऑर्डर प्लेस करेगा, आपको वही सेम पैरामीटर्स को यूज करके अपना फायर्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रेड ले लेना है। और जैसे ही आपका एग्जिट सिग्नल क्रिएट होगा तो आपको उसी बेसिस पर अपना मैनुअल ट्रेड भी ले लेना, मैनुअली एग्जिट ट्रेड भी ले लेना है। तो इस तरीके से आप फ्री फीचर्स और पेपर ट्रेडिंग मोड यूज करते हुए भी आप लाइव ट्रेडिंग कर पाएंगे और आप अपने रूल्स को भी फॉलो कर पाएंगे, आप अपनी स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर पाएंगे। अब हम अपनी लास्ट स्लाइड के बारे में बात करेंगे। हमारी जो लास्ट स्लाइड है वो है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फ्री एपीआई ब्रिज। तो सबसे पहला बेनिफिट डिसिप्लिन है। डेफिनेटली अगर आप अपने रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो आप डिसिप्लिन वे में वर्क करेंगे, आप आपकी लाइव ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन आ जाएगा। फिर हमारा जो सेकेंड फीचर है वो है ट्रेड डायरी। अब ट्रेड डायरी क्या होती है, आप ट्रेड्स लेते हैं तो आप उसकी, जनरली काफी ट्रेडर्स ट्रेड डायरी बनाते हैं जिसमें वो ट्रेड्स लिखते हैं अपने कि उन्होंने कौन सा ट्रेड लिया, किस तरीके से लिया। तो आपको
ये फीचर जो है ये काम आपके लिए फायर्स ब्रिज अपने आप कर देगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ ट्रेड हिस्ट्री में जाना है, आपके पूरे दिन के जितने भी ट्रेड होंगे वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। उसके बाद आपको यहाँ एक्सपोर्ट ट्रेड हिस्ट्री पर क्लिक करना है। आपने एक्सपोर्ट ट्रेड हिस्ट्री पर क्लिक करा, इस डॉक्यूमेंट को मैं सेव करूंगी ट्रेड हिस्ट्री के नाम से, और मैंने ये सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। फिर मैं डेस्कटॉप पे जा रही हूँ, मैं ट्रेड हिस्ट्री पे गई और देखिए ये मेरा पूरा डॉक्यूमेंट आ गया। मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि मैंने किस प्राइस पे लिया, कौन सा ऑर्डर टाइप था, किस टाइम पे लिया, मुझे यहाँ पे हर चीज आ रही है। तो आपको आपके लिए जो ट्रेड डायरी वाला काम है वो भी फायर्स ब्रिज अपने आप कर देगा। आपको कुछ लिखने की खुद से जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बाद आप अपनी ट्रेड डायरी को यूज करके अपने जो ट्रेड्स हैं उनको इवैल्यूएट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि जो ऑर्डर्स आपके ब्रिज में प्लेस हुए हैं वो ऑर्डर्स, और आपने जो मैनुअल ऑर्डर्स लिए हैं, आपने जो मैनुअल ट्रेड्स लिए हैं उनको मैच करके देखिए कि क्या आपने सारे के सारे ट्रेड्स लिए, जितने भी सिग्नल जनरेट हुए आपने अपने रूल्स को फॉलो किया, आप जब भी एग्जिट सिग्नल आया क्या आपने उसी टाइम पे एग्जिट किया, या आपने अपने इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आके आप डेविएट हो गए और आपने अपनी मर्जी से एग्जिट किया। तो आप ये सब इवैल्यूएट कर सकते हैं ट्रेड डायरी से कंपेयर करके। फिर हमारा लास्ट आता है लर्निंग हाउ टू ट्रेड सिस्टम एंड ईजी टू स्विच टू एल्गो। एंड एग्जैक्टली, आप अगर इतने टाइम से मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मुश्किल होता है कि आप एकदम से ट्रेड सिस्टम ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो जाएं या एल्गो ट्रेडिंग पर आप स्विच हो जाएं। तो आप क्या कर सकते हो, आप पेपर ट्रेडिंग मोड यूज करके आप कंफर्टेबल हो जाओगे। जब आप इस पर प्रैक्टिस करके अपनी स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करके आप जब कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो आपको स्विच करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है आपकी स्ट्रैटेजी किस तरीके से वर्क करती है और सिस्टम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो आपके लिए ट्रेड सिस्टम को समझना और एल्गो ट्रेडिंग के लिए स्विच करने में काफी आसानी हो जाएगी अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट फ्री टूल्स ऑफ फॉर सिस्टम ट्रेडिंग। आई होप दिस वेबिनार वॉज इंफॉर्मेटिव। नाउ विल स्टार्ट आवर Q&A क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। आपको API ब्रिज के लिए साइन अप करने के लिए यहाँ पे ये फायर्स API ब्रिज की वेबसाइट है, आप यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो आप कम्युनिटी, अगर आप फायर्स यूज कर रहे हैं फायर्स API ब्रिज, तो आप यहाँ पे कम्युनिटी के मेंबर बनेंगे और इधर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको जो भी डिफिकल्टी हो रही है या फिर आपके कुछ आप किसी फीचर के बारे में इंक्वायर करना चाहते हैं, कोई भी किसी भी तरीके के आपके पाइन स्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है या कुछ भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आंसर्स दे रखे हैं हमने, तो हम आपको यहाँ पर भी रिप्लाई करेंगे। तो ये फायर्स का कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और फायर्स API ब्रिज के बारे में आपको और अगर पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं फायर्स API ब्रिज क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, किस लिए यूजफुल है। इधर फायर्स के मेन पेज पे आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा जिसको आप रेफर कर सकते हैं इसके बारे में और पढ़ने के लिए, और यहाँ से इस साइट से आप साइन अप कर सकते हैं सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करके। जो बिल्कुल ही बिगनर है उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, आप पहले ये पूरा स्टेप है जो हमने बात की थी, आप इसको पूरा सेटअप जो है आप इसका स्क्रीनशॉट या कुछ भी ले सकते हैं। इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, यहाँ फायर्स का जो
यूट्यूब चैनल है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आप ये रिकॉर्डिंग दोबारा देख सकते हैं या फिर आप इसको एक बार देख लीजिए। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा है आपको किस तरीके से इस पूरे सेटअप को क्रिएट करना है। इफ यू वॉन्ट टू कोड योर ओन स्ट्रैटेजी आप माई कोडर पे जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज आवर सीरीज ऑफ वेबिनार। हमने यहाँ पे दो वेबिनार्स कवर कर लिए हैं, व्हाट एंड व्हाई ऑफ सिस्टम ट्रेडिंग जो हमने लास्ट वेबिनार किया था, और फ्री टूल्स फॉर सिस्टम ट्रेडिंग, ये हमने इसके बारे में आज बात करी। अब हम नेक्स्ट वेबिनार में बात करेंगे टूल कंपैरिजन फॉर एल्गो ट्रेडिंग। तो कौन कौन से टूल मार्केट में अवेलेबल हैं और आपकी स्ट्रेटेजी को कौन से टूल सूट करेंगे, आप इस वेबिनार के बाद उसके बारे में जान पाएंगे, क्योंकि हम उनको कंपेयर करेंगे। इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप फायर्स के यूट्यूब चैनल पे देख पाएंगे। जब भी अवेलेबल होगी नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। आपके पोजिशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ हेल्प मैनुअल में उनको ढूंढ सकते हैं, आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू कनेक्शन में जाके आप इधर माय कोडर हमारे ये इधर हेल्प मैनुअल है ब्रिज की, तो आप यहाँ पे अपने काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। और आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे ये कम्युनिटी फायर्स का लिंक है जो आपके चैट बॉक्स में अभी प्रोवाइड कर दिया गया है, आप इस पे क्लिक करके आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी काफी लोगों ने पूछे हुए हैं, तो आप उसी तरीके से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स दे दिए जाएंगे। So we are wrapping up the session now. Thank you for joining and we'll meet again in the coming webinar, Tool Comparison for Algo Trading, and we shall discuss how, what are their features and how on what factors we will be comparing them. We'll talk all about it in the next webinar. Thank you so much for joining.